हेयर ऑयल लगाने से हेयर ग्रोथ होती है, ये सबको पता है, मगर हेयर ऑयल लगाएं कौन सा? अब आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हीरा आयुष एंटरप्राइजेस आपके लिए लाए हैं नगरमोथा मकई बरहामी जटामासी नारियल तेल सीसम तेल और नीम ऑयल के मिश्रण से बना सेवन मैजिक हेयर ऑयल, जो कि 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है और केमिकल मुक्त है। सेवन मैजिक हेयर ऑयल के अच्छे परिणाम के लिए यूजर सप्ताह में सिर्फ दो बार ही शैम्पू इस्तेमाल करें और सेवन मैजिक हेयर ऑयल का कमाल देखें। ड्रग्स और हथियार केस में फंसाए गए धारावी के दोनों युवकों को मिली जमानत, धारावी के लोगों ने मनाया जश्न, कुरियर पार्सल लाने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी, धारावी माटुंगा लेबर कैंप के दो युवक सैयद फखरुद्दीन और गोपाल मुपनौर उर्फ गोपी, इन दोनों को 485 ग्राम एमडी और एक देसी तमंचा पार्सल द्वारा लेने के आरोप में धारावी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और पूरे माटुंगा लेबर कैंप के लोगों का कहना था कि ये दोनों युवक निर्दोष है, इन्हें फंसाया गया है। शुरू में पुलिस इस बात को मानने तैयार नहीं थी, लेकिन अंत में जोन 5 के पुलिस उपायुक्त अशोक प्रणय ने इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकारा और उस हिसाब से इनकी जांच भी करवाई, जिसके चलते इन दोनों युवकों को, खासकर सैयद फखरुद्दीन को, ये पार्सल देने वाला नईम कुरैशी नाम का युवक, इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पीछे जो सैयद फखरुद्दीन की मंगेतर है, उसका जो आरोप था निकोलस पांडियन, जो नेट से कॉलिंग करके इस मंगेतर को परेशान करता था, फखरुद्दीन को गलत बताता था और उससे मंगनी तोड़ने के लिए इस मंगेतर पर दबाव बनाता था। वहीं ये जो पार्सल फखरुद्दीन के घर दिया गया, उस वक्त वहां पर स्थानीय केबल ऑपरेटर उसका मित्र गोपी उर्फ गोपाल मुपनौर भी मौजूद था। पुलिस को टिप मिली, पुलिस ने छापामारी की और इन दोनों को इस पार्सल के साथ गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में पुलिस पर जो है ड्रग्स सप्लायर और पेडलर के साथ मिलीभगत करके इन दोनों युवकों को फंसाने का आरोप लगाया था। इनकी तरफ से एडवोकेट नितिन सातपुते ने कोर्ट में पैरवी की और इनके तमाम दोस्तों ने, तमाम इलाके के लोगों ने पुलिस को तमाम सीसीटीवी फुटेज सौंपे, तमाम जानकारी जो है डीसीपी प्रणय अशोक को दी, उसके आधार पर जांच की गई, तब जाकर के फखरुद्दीन सैयद और गोपाल मुपनौर को फंसाने वाला ये जो पार्सल था, देने वाला व्यक्ति नईम कुरैशी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोपाल मुपनौर ने बताया 4 दिसंबर को इनकी जमानत हुई है और 5 दिसंबर को ये जेल से रिहा हुए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में इन्हें रखा गया था, जो नए नियमों के तहत अब जेल जाने से पहले रहना पड़ता है। तो वहां से निकलने के बाद गोपाल मुपनौर ने यह भी बताया कि पुलिस जो है उसके ही दोस्त के खिलाफ उसको गवाह बनाने के लिए टॉर्चर कर रही थी, मगर उसने सारा टॉर्चर बर्दाश्त किया, मगर फखरुद्दीन के खिलाफ वो झूठा गवाह नहीं बना। बहरहाल कहीं ना कहीं सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत हुई है, इंसाफ लगभग कुछ हद तक हुआ है, अभी पूरा इंसाफ होना बाकी है। और इंसाफ की यह लड़ाई लड़ने वाले माटुंगा लेबर कैंप के लोगों ने किस तरह से जश्न मनाया सैयद फखरुद्दीन और गोपाल मुपनौर की जमानत पर रिहाई के बाद, देखिए। नमस्ते, सैयद और गोपी को आज बेल मिल चुका है और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। जितनी भी जनता हमारी जो एरिया की, उन्होंने मदद किया, जो लोकल अथॉरिटीज है और फिर लीगल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी हमारा बहुत समझ दिया, हमारी मीडिया है जिन्होंने, मीडिया ने भी हमारा बहुत साथ दिया, उनको सबको तय तय दिल से धन्यवाद। और अभी तो सिर्फ बेल मिला है, अभी ये मामले में जो जो है उसका इन्वेस्टिगेट हम भी साथ में मिलकर करेंगे और जो जो कल्प्रेट है हम खुद दिल से देखेंगे कि उसे सख्त से सख्त सजा मिल जाए। बस ये वीडियो सिर्फ आपको एक थैंक यू वीडियो है, जो हम दोनों की तरफ से जो साथी सर अभी हमारे साथ हैं, तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे भी आगे सपोर्ट करते रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि ये केस के बारे में क्या क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच।